दफा हम रिव्यू कर लेते हैं शुरू से कि हमने अभी तक क्या बनाया हुआ था। हमने MongoDB को कनेक्ट किया हुआ है और एक अदद यूजेज के नाम से हमने क्या बना लिया है, मॉडल। अब हमें एक अदद मॉडल और भी चाहिए जिसका नाम क्या होगा, कार्ट। सही जी, कार्ट के नाम से मैंने एक मॉडल बना लिया। अब कार्ट के अंदर क्या होगा, मेरे पास क्या चीजें होंगी, रिच नेम होगा ऑफ कोर्स, और बताओ भाई कार्ट में मुझे क्या क्या चाहिए होगा। Node.js, MongoDB पढ़ चुके हम लोग, क्वांटिटी चाहिए होगी हमें, क्वांटिटी। चलो हम नंबर कर देते हैं। और बताओ अमाउंट तो खैर अभी हमने लिखा ही नहीं है कि कौन सी डिश कितने की है, तो हम अमाउंट को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। और बताओ, हाँ उस बंदे का ईमेल नहीं चाहिए होगा, बंदे का ईमेल चाहिए होगा मुझे। और बताओ यूजर नेम कौन सा वाला, क्या दोबारा बोलो, सही कह रहे हो, बंदे का नाम चाहिए मुझे, क्लाइंट नेम बल्कि लिखा हुआ है नीचे, इसका हम कस्टमर नेम कर देते हैं, इसमें कस्टमर नेम कर दिया QUA। भाई क्या यहाँ पे अफरा तफरी लगी हुई है यार, बैठ जाओ भाई, किसी और की जगह पे बैठ गए हो। भाई अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, मुझे कौन बताएगा वो प्रॉब्लम क्या है, इस कार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये मॉडल सही नहीं बना हुआ, डेटाबेस पढ़कर आए हो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ बोलो, CLI? अबे भाई छोड़ दो CLI से करना ही नहीं है, सही है CLI मत करो, ये वाला करो जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी मैं करवा रहा हूँ इसमें CLI का कोई इस्तेमाल है चुनना से भी नहीं है ना, खत्म हो गए, बुक में लिखा हुआ बुक से पढ़ देना तो। ये तो करो ना तुम CLI के चक्कर में तुम। हाँ अरे मुझे याद आया, मैंने तो तुम लोगों को बोला था ये बना के लाने के लिए। हाँ अभी बताओ किसने किसने बनाया, लिंक भेजो, किसी ने भी नहीं बनाया, क्यों भाई। नहीं नहीं मंडे तक नहीं बना लेंगे, अभी मेरे समझ में आ गया, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये बेवकूफी की बात है, तुम लोग कर नहीं पाओगे आगे। अभी सिंपल सी जो वेदर की एप्लीकेशन थी ना, वेदर की एप्लीकेशन जो थी वो कंप्लीट कर ली थी ना सबने, अब ये फूड ऐप जो है वो कितने लोगों ने कितना बना लिया, जरा सा भी नहीं बनाया, फूड ऐप बना लिया है। हाँ तो यहाँ उठा के लाओ ना इसको भाई, अभी मेरे पास ना, मैं यहाँ से खड़ा हो रहा हूँ आप लोगों के पास आ रहा हूँ ना, जो फूड ऑर्डरिंग की जो ऐप है ना, इसको देख के बनाओ कुछ भी करो, ये लोकल मशीन में अभी तुम लोगों के सबके पास चल रहा होना चाहिए, अभी ये करो आज की क्लास में ये कर लें, तो मेरा ख्याल है क्योंकि मैं पढ़ाता जा रहा हूँ तुम लोग ज्यादा पीछे ना रह जाओगे, फिर होगा नहीं। और अभी जिसके पास भी जो जो मसला आ रहा है ना, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछें, और जो भी आपस में दूसरे लोग हैं जिनको वो डिशेस खोल दो, डिशेस डिशेस डिशेस
मेन्यू यार ये कोड पुश हुआ है ना, इसके अंदर मैं बताता हूँ वो कहाँ पर है, शो मेन्यू के अंदर होगा वो, ये रहा। सिनोनियम को छोड़ो ना, सीधा सीधा तो बनाओ। ये जो कोड पुश हुआ है ना, इसके अंदर अलेक्सा का एक्सपोर्ट भी है। ये जाओगे ना तुम अलेक्सा के एक्सपोर्ट में इंटरेक्शन मॉडल में, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये सारा देख रहे हो, गिटहब में जाके ये देख लो, गिटहब में ये कोड पुश है, वहां से देख लो। और ये शो मेन्यू के अंदर भी जो है ना ये लिखा हुआ है, ये पूरा जुमला लिखा हुआ है। चलो भाई शुरू हो जाओ सारे दोस्त। अच्छा कोई एक बंदा ना यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, ताकि ये मतलब मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से रोक रहा हूँ भाई। हाँ भाई कौन कर रहा है, तुम करो स्क्रीन शेयर, मैं बीच वाले। हाँ चलो आगे ऑप्शन देखो, who can share, who can start sharing when somebody else is sharing. अबे यार ये क्या हेलीकॉप्टर बन के आ रहे हो अंदर, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। चलो ये लो एडमिट कर दिया, मिल गया हेलीकॉप्टर कौन था यार। कौन सा लिंक, रैपो तो मेरी प्रोफाइल में जाओ सामने पड़ी हुई है, मेरे गिटहब में जाओगे ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी पे आ रहा होगा, जिसमें आखिरी कोड पुश किया हुआ होता है ना वो ऊपर आ रहा होता है बिल्कुल। हाँ ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, डब्ल्यू क्लाउड फ्लेयर 11 लिखोगे ना फिर आएगा, ये वाला नहीं था। चलो देखो अगर इससे भी काम हो रहा है तो इससे भी कर सकते हो, क्लाउड फ्लेयर 11 ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। अरे अच्छा तुम उसको जरा करो जो तुमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, उसमें भी मांग रहे हैं पासवर्ड। Okay.
यार रजा बैठा हुआ है क्लास में, यार रजा नहीं है रजा यार, इसमें तो ये लॉगिन करने कह रहा है। नहीं भाई अभी करो इसको, अभी उसमें कुछ है पासवर्ड, ये पासवर्ड वासवर्ड ढूंढाओ।
यार मसला ये एनजी रॉक भी नहीं हुआ होगा। Thank you.
अच्छा भाई उधर बैठ जाओ। अच्छा भाइयों ये आपके एक दोस्त हैं, इन्होंने वो चीज अचीव कर ली है। अच्छा ये इन्होंने जितना काम कर लिया है ये आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कर लिया है। अच्छा अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, जरा कम स्टॉप करो।
जेफ बेजोस भी आ गया क्लास में, चलो जेफ बेजोस को भी अलाउ कर दिया। अच्छा भाइयों, सब लोगों के पास इनकी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हमारे दोस्त दोस्त अपना सबसे पहले तो नाम बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं। वीडियो अपनी ऑन करो, वीडियो नहीं ऑन इसमें। वीडियो का ऑप्शन है, एक मिनट अभी आएगा, अब आएगा। ये रहा, ये बटन दबा दो। यहाँ पे राइट क्लिक करो, हाइड करो, हाइड फ्लोटिंग पैनल, हाइड फ्लोटिंग। पहले तो अपने बारे में बताओ, माइक आगे करो। अच्छा बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, क्या रिपोर्ट है? मेरा नाम असद अली खान है और मैं थर्ड ईयर सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर सॉफ्टवेयर का स्टूडेंट हूँ। और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ साथ में जॉब भी कर रहे हो? पढ़ाई और जॉब सर्च कर रहा हूँ, फिलहाल कोई जॉब नहीं कर रहा। अच्छा, जॉब सर्च कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो आपने जो बनाया, ये आपने अभी अभी बनाया या पहले से ही बना लिया था? घर से ही बना हुआ था। अच्छा, आप जरा डेमोंस्ट्रेट करो कि शुरू कैसे किया तुमने और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या किया। अच्छा, तो इसमें हमने सबसे पहले तो सर कनेक्शन बिल्ड किया था। माइक करीब कर लो। हेलो, इसमें हमारे पास सर ने जितना हमारे पास मतलब जो डे वन को सीएलआई से कनेक्ट करा के कोड पुश किया था वो मैंने एज इट इज कोड कर लिया था। उसके बाद सिर्फ इसके अंदर हमने इंटेंट्स लगाने थे, तो इंटेंट्स जो थे मैंने एक एक करके बनाता गया हूँ। मतलब वहां पे हमें जैसे ये बिल्ड के अंदर जिस तरह से हम पहले इंटेंट बना रहे थे इसी तरह से इंटेंट बन रहा था, और उस वाले इंटेंट को अब मैंने जो है लोकली कनेक्ट कर लिया। लोकली कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें उस इंटेंट का नेम सेम रखना है। जैसे कि मैंने वहां पे दिया ईमेल इंटेंट हैंडलर, तो मेरे पास यहाँ पे भी ईमेल इंटेंट हैंडलर ही होना चाहिए। मतलब नेम सिर्फ सेम होगा तो वो खुद ब खुद मतलब मैच कर लेगा। अच्छा, अभी हम बोल लेते हैं सबसे पहले मेन्यू का इंटेंट है, पहला इंटेंट मेन्यू का था। अच्छा, तो मेन्यू इंटेंट हैंडलर जो है मेरे पास वहां पे सिर्फ मैंने उधर इसी नेम से एक इंटेंट बनाया हुआ, यहाँ पे उसका नेम सेम है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले अच्छा अटरेंसेस वगैरह भी वहीं पे ही हैं, ठीक है। अटरेंसेस जैसे हमने यहीं से दी हैं जो कि नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो पहले यहाँ से देख लेते हैं। भाई आप ये बताएं कि ये सबको बंद कर दें, वीएस कोड को भी बंद कर दें, सारा ठीक है, जो आपका अलग से स्क्रिप्ट रिटर्न है इसमें आप आ जाए। ये जो कोड आपका चल रहा है आपकी मशीन में, ये सब लोगों को आप बताएं कि इसको आपने अलेक्सा स्किल किट से कनेक्शन कैसे किया। वो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है शायद अलेक्सा स्किल का जो सीएलआई है उससे कोई ताल्लुक है, तो आपने की सीएलआई से किया है? सीएलआई से नहीं, नहीं, नहीं। अलेक्सा
स्किल पे मैंने सिर्फ जो है इंटेंट्स बनाए और उसका नेम से सेम, अगर नेम सेम होता तो खुद ब खुद मैच कर लेता। अच्छा, तो बीएस कोड को जरा बंद करें और बंद करके उसको दोबारा से शुरू से करें, कैसे आपने किया? मैं एक इंटेंट बना के दिखाऊं, एक नया इंटेंट बना के दिखाऊं, लेकिन बीएस कोड को बंद करके जरा ओपन करूं, ये कनेक्शन तुमने किया कि एमजी रॉक से जो ट्यूटोरियल बनता है वो जरा इनको बना के दिखाऊं। अच्छा, लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, तो वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बॉक्स देखें क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी अपनी स्क्रीन पे आपको अगर नजर आ रहा है तो बॉक्स को देखें, ये किस तरह से कर। अच्छा, ये आपने जो कोड रन किया ये मेरा वाला ही कोड है जो डे वन या डे टू का था, मतलब इसके बाद मैंने उसको खुद ही अपडेट आके करा। अच्छा, मतलब काफी पहले मेरा वाला कोड लिखा है ना, काफी पहले कोड ये मेरा वाला जो कोड गिटहब में मौजूद है, एक्सप्रेस का जो सर्वर मैंने गिटहब पे लिख के पुश किया हुआ है, ये वही सर्वर चला रहा है, ठीक है ना? ये वही सर्वर यहाँ पे चला रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक क्लास का कोड खोली है, कोई आज से दो तीन कह रहे हैं दो तीन क्लास पहले का कोई कोड है। अच्छा, तो ये कोड एज इट इज है, इसमें आपने कोई बहुत ब्रेकिंग चेंजेस नहीं किया, छोटी मोटी कोई चेंजेस, सिर्फ इंटेंट्स मैंने इसके अंदर डाले, बाकी जो है ऊपर नीचे का वही था बस। इंटेंट्स का नाम वहाँ पे कर रहे थे ना, जैसे ऑनलाइन एलेक्सा किट में सिर्फ इंटेंट बना रहे थे और वहाँ पे हम अपने लैम्डा फंक्शन जो बना रहे थे और नीचे से उनके नेम दे रहे थे, वही किया और डेटाबेस इसमें अलग से कनेक्ट हुआ था। अच्छा, चलो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल सर्वर रन होता है। अच्छा, एनजी रॉक मेरे पास ऑलरेडी रन हुआ है, तो पहले मुझे उसको बंद करना होगा, उसकी कमांड पहले से कैसे रन हुआ? अभी मैं रन चला रहा था ना, पर अगर बंद हो गया ना टर्मिनल, खत्म हो जाता खुद, किल नहीं करना पड़ता। अच्छा, सही, पूरा करना नहीं जरूरत पड़नी भी चाहिए, लेकिन देखते हैं। अच्छा, एनजी रॉक एचटीटीपी से हमारे पास जो है हमारा मतलब एनजी रॉक पे ये रन हो जाता है और पोर्ट नंबर हमें सेम देना होता है जिस पोर्ट पे हमने लोकली रन किया। यहाँ पे इसने हमें एक यूआरएल दे दिया है, ये यूआरएल हम अपनी अलेक्सा स्किल किट में देंगे तो हमारे पास मतलब हमारी अलेक्सा स्किल किट जो इससे कनेक्ट हो जाएगी, तो ये हमें पेस्ट करना होगा। अच्छा, बिल्ड के अंदर जाके हमारे पास सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता है एंड पॉइंट्स का। एंड पॉइंट्स में हम चले गए और यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट रीजन, अच्छा हमें पहले AWS लैम्डा से हटा के HTTPS पे करना है जो कि मेरे पास पहले से हुआ था, और यहाँ पे URL लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। और मैंने अपना अभी वाला लिंक दे दिया, ठीक है? ये तो लिंक हो गया जो अभी हमारा एनजी रॉक पे हमें मिला। इसके आगे जो API V1 वेबहुक एलेक्सा लिखा हुआ है, ये हमारे पास कोड में जो सर ने हमें लिखवाया था वहीं पे लिखा हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे पेस्ट करना था। ये लिखा हुआ एप डॉट पोस्ट जो हमारे पास हो रहा है ये हो रहा है API V1 वेबहुक एलेक्सा पे, तो ये यहीं से सिर्फ इसके मतलब एनजी रॉक वाली URL के आगे हमें ये देना था, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हमें एक इंटेंट बना के उसको कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा हाँ, वो सेव भी कर देते हैं। किसी भी पॉइंट में शामिल नहीं है, ठीक है?
आपको क्लियर हो जाए। अच्छा तो ये इन्होंने एंड पॉइंट डाल के और सेव कर दिया। शुरू हो जाओ भाई। स्किल का नाम कुछ भी रख दो, तुम अपने इंट्रोडक्शन वाला बना लो, सही है। इसका नाम रखो टॉक टू हसीब। और एक जैसे मैंने बताया ना, नई रिपोजिटरी से स्टार्ट करना है। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, एक नई रिपोजिटरी बनाते हैं सबसे पहले। तो जल्दी से एक नई रिपोजिटरी बनाओ। यहाँ पे स्किल तो बनाओगे तुम बाद में, क्या गिट इसमें अवेलेबल नहीं है तुम्हारे पास? चलो रिपोजिटरी को छोड़ो फिर। रिपोजिटरी से बनाओगे ना तो हरिको पे डिप्लॉय भी आसानी से हो जाएगा।
कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको तो कहाँ से शुरू करना है, आपको गिटहब की रेपोजिटरी पहले से बनानी है सबसे, उसके बाद आपको कोई दूसरी चीज करनी है। ये ईमेल पे सेंड किया होगा इसने, मोबाइल में आ रहा होगा ना ईमेल। क्या नहीं है, वाईफाई नहीं है, इधर और डेटा मैं तुम्हारे लगा देता हूँ। देखो तुम्हारे पास शो होगा, शो होगा, फॉर्म लिखा होगा सर। सिर्फ फॉर्म लिखा होगा। ये पास हो गया। हाँ भाई आ गया कॉल। इंट्रोडक्शन एलेक्सा स्किल मे बी अब इसको क्लोन कर लो अपने पास, ठीक है, पब्लिक रिपोजिटरी है ना, क्लोन हो जाएगी, कॉपी कर लो लिंक ये वाला। अलेक्सा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन अलेक्सा स्किल इस तरह कुछ रखा है ना। गिट नहीं है, है हैदर रजा मौजूद है यहाँ पे यार,
पासवर्ड इसने क्या लगाया था देखा किसी ने? गिट है ही नहीं। जाओ गिट डाउनलोड करो जरा, मैं जब तक उसको बुलाता हूँ। गिट को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। क्या मेरे अकाउंट में? क्या मेरे अकाउंट में क्यों आएगी? वो अपने अकाउंट में बना रहा है भाई। मेरे अकाउंट में कैसे कोई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकता? नहीं नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ, वो कर रहा है। मैं तो करके दिखा चुका हूँ ना एक दफा यार, अब बार बार मैं ही करता रहूंगा तो फिर फायदा नहीं है, इसलिए मैंने किसी और को चांस दिया। अच्छा ये डाउनलोड हो रहा है ना, मैं जरा बुलाता हूँ इतनी देर में यार। बाकी लोग भी जरा चेक करो, सबके पीसी में गिट है इंस्टॉल हुआ हो? करवा लिया? क्लाउड फ्लेयर का जो वीपीएन है सबके पास इंस्टॉल है वो? भाई चेक करो, जिस जिसके पास नहीं है वो करवाओ, ताकि ये बार बार का मसला नहीं हो ना यार। आज कर रहे हैं तो आज ही कर लेंगे। मैं जरा लाता हूँ रजा को। ठीक है भाई, इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि फौजी के पास ना असला अपना होना चाहिए। तो भाई कोशिश करो कि अपना आपके पास ना वेपन अपना हो। इवन मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये इंटरनेट बंद भी हो जाता है तो मेरे पास फोन में भी मेरे पास इंटरनेट मौजूद है, मैं वो कनेक्ट करके चलाऊंगा। तो आपको कोई मतलब, देखो प्रोजेक्टर का इशू था ना, इन्होंने आगे कहा कि यार आप इसका केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब केबल प्लग करते थे वो बार बार खराब हो जाती थी केबल। फिर उन्होंने कहा यार आप केबल प्लग नहीं करें, आप ये पीसी इस्तेमाल करें, ये पीसी। मैंने कहा भाई क्या बकवास है यार, कह रहे हमने i7 पता नहीं 7 लाख का पीसी लगा दिया। तो मैंने कहा मेरे लिए तो जीरो ही है ना, मेरी चीजें, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, चीजें कुछ और ही इंस्टॉल हुई भी होंगी, फिर मैं क्या करूंगा? मेरा तो 2 घंटे की तो क्लास होती है, हाथ सेट होता है अपने पीसी पर, 2 घंटे की जो क्लास होती है वो इंस्टॉलेशन में निकल जाएगी मेरी, तो बाकी बचेगा क्या पीछे? तो वैसे पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड जो है ना वो 45 मिनट्स होते हैं, उससे ज्यादा की क्लास नहीं होती पूरी दुनिया में, लेकिन हमने 2 घंटे रखा इसी वजह से कि कुछ आएंगे लेट, कुछ मसले मसाइल होंगे तो बचेगा 45 मिनट आखिर में, इसलिए 2 घंटे रखा है। 9 से 11 में भी ऐसा होता था, हमारा एनी डेस्क क्रैश कर जाता था है ना, हाँ जूम टीम वो भी करता था क्रैश, वो भी क्रैश करने शुरू हो गया था लास्ट में टीम व्यूअर। हाँ तो मैंने कहा भाई मैं तो ये पीसी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मसले होंगे यार, कभी कीबोर्ड सही नहीं चल रहा होगा, कभी माउस का व्हील खराब होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैंने फिर तरीका दूसरा ढूंढा, मैंने कहा यार टीम व्यूअर से मैं इस पर मिरर कर लूंगा अपनी स्क्रीन, फिर वो हो नहीं पाया, तो अब हम जूम की तरफ मूव कर गए। तो इंटरनेट और कंप्यूटर ये 2 चीजें ना आपका वेपन है। भाई जुबैर भाई कहाँ रह गए, आ जाओ यार, ये देख लो यार इसको मैं बोल कर आया हूँ। ये यार इसने पासवर्ड नहीं तुमसे मांगा, एंड में मांगेगा। डॉक्यूमेंटेशन वो तो वैसे तो 99.9% सही होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे कोई मिस्टेक हुई थी स्पेलिंग वगैरह की, तो वो तो जाहिर है वो चीज मिस हुई हुई थी उसके अंदर।
नहीं नहीं भरोसा उठने की बात नहीं है, वो असल तो वही है, बुक वाला भी वहीं से देख के लिख रहा है, बट जाहिर है वो भी ह्यूमंस हैं और जाहिर है एक बहुत बड़ी चीज है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहती है इस तरह की ना। अब भाई गिट तुम्हारे पास हो गया तो डेस्कटॉप क्यों कर रहे हो, क्लोन करो ना उसको। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कमांड, मैं बता रहा हूँ, चलो गिट की कमांड मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी गिट के डेस्कटॉप को साइड पे कर दो। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनसे ये हो गया है काम, अलेक्सा स्किल एक बन गई है और उसका जो सर्वर है वो आपकी लोकल मशीन में, कितने लोगों से ये काम हो गया है? उस लोकल मशीन का जो सर्वर है ना उसको हरिको पे भेजो, दोनों जिनका हो गया उनसे कह रहा हूँ, लोकल मशीन में जो सर्वर है उसको हरिको पे भेजो और हरिको का लिंक लगाओ फिर और उसको देखो वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलना चाहिए लेकिन देख लो, लगाकर देख लो। वो नोटिफिकेशन जो आ रहा है ना सम टाइम बगैर बिल्ड किए भी चल रहा होता है, वो एंड पॉइंट अपडेट हो जाता है। हाँ सम टाइम वो उसके बगैर भी चल जाता है, लेकिन जब आप एंड पॉइंट को सेव करते हो ना तो वहां पे एक नोटिफिकेशन जो आती है ना उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये सेव तो हो गया है लेकिन जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। उस पेज पे नहीं दिया हुआ, ऐसा ही है बिल्ड उस पेज पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बट वो नोटिफिकेशन आता है ना जो सेव का, सेव करते हो ना एंड पॉइंट नोटिफिकेशन आता है उसमें देखना मेंशन किया हुआ है कि बिल्ड किए बगैर ये काम नहीं करते, तो बोला भाई उन्होंने बिल्ड करने के लिए। भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्लोन कर लिया? अच्छा उसको वीएस कोड में ओपन कर लो। अच्छा तो अभी तक इन्होंने क्या किया है, एक एम्प्टी रिपोजिटरी बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच ये काम करवा रहा हूं उनसे मैं, एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई है खाली और उसको अपने पीसी में क्लोन कर लिया है। अब इस के अंदर इनको एक सर्वर लिखना है एक्सप्रेस का और एक अलेक्सा स्किल किट पे एक स्किल बनेगी वो अलग है, ठीक है? अब ये दोनों जुड़ेगी कैसे, एनजी रॉक के यूआरएल के जरिए करो यार ये काम करो। एक यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड उठा के ले आओ, बॉयलर प्लेट जो कोड है एक्सप्रेस के सर्वर का वो लिख दो यहाँ पे, मेरी मेरी कोड में से हेल्प भी ले सकते हो अगर चाहो तो। सभी कुछ होगा, एनपीएम से चीजें भी इंस्टॉल होगी, काफी कुछ होगा, बॉयलर प्लेट का कोड भी लिखा जाएगा यहाँ पे। स्क्रीन तुम्हारी गई क्या बात है, स्पेस में घूम रहा हूं मैं बगैर स्पेस में घूम कैसा रहा हूं ये भी तो देखो। ऐसे मैं घर में ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ ना ऐसे स्पेस में बैठ के, फिर मैं ऐसे स्पेस में उड़ता हुआ जाता हूँ वो पंखा ऑन करके वापस आ जाता हूँ, ऐसा लगता है स्पेस में ऐसे ही चलता चला जा रहा हूँ, मतलब डिफाई एवरीथिंग डिफाई कर रहा हूँ, फिजिक्स पूरी डिफाई करके निकल रहा हूँ। अच्छा जी मैं कमेंट्री करते जाता हूँ साथ साथ, तुम लिखते जाओ। अब इन्होंने पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना ली है, जो हमारे नॉट जेएस का जो पैकेज होता है उसमें जरूरी होती है ये फाइल, सबसे बेसिक होती है। अच्छा और एक सर्वर डॉट जेएस के नाम से फाइल बना ली है, भाई जेएस क्यों बनाई है, एमजेएस बनाओ ना। हाँ एमजेएस बनाओ, कोड सारा जब हमने नए वाले कोड में लिखा है वो इम्पोर्ट काम नहीं करता ना, इसमें इम्पोर्ट काम करता है, कैसे करता है वो पैकेज डॉट जेएसएन में जाके मॉड्यूल बनाना पड़ता है उससे हो जाता है ना, तो बात तो वही है ना। बेटर तरीका ये है कि इसको एमजेएस करते हैं ताकि देखने वाले को देखते ही पता चले कि ES6 है। ये दोनों तरीके मौजूद है, दोनों तरीके सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है ये एमजेएस वाला, क्योंकि इससे देखते ही पता चलता है, जैसे जेएसएक्स है ना रिएक्ट की जो फाइल होती है जेएसएक्स, आपको देखते ही पता चलता है ये रिएक्ट की फाइल, हालांकि है वो जावास्क्रिप्ट लेकिन एक्स लगा हुआ उसमें जेएसएक्स, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है पर्सनल, हो सकता है गलत भी हो, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस
इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है MJS में. MJS में डिफरेंस बस ये है कि नया वाला सिंटैक्स में इसमें आप लिख सकते हैं, उसमें नहीं लिख सकते. और JSX में भी एक डिफरेंस है छोटा सा. जब आप कोड लिख रहे होते हैं ना रिएक्ट की फाइल में, तो जितने भी रिएक्ट के एक्सटेंशन होते हैं ना जो उसमें हेल्प आउट करते हैं आपको, तो वो सजेशन रिएक्ट वाली देता है. अगर वो एक्स नहीं होगा ना तो रिएक्ट वाली सजेशन आपको नहीं देगा, वो जावास्क्रिप्ट वाली सजेशन. मिसाल के तौर पे आपने कहा डिव, डिव लिखा आपने, तो सजेशन में ना उसको ऑटो कंप्लीट आ रहा होता है. वो एक्स नहीं होगा ना तो नहीं आएगा. ये डिफरेंस उसमें भी है. JSX ये पूछ रहे हैं कि JS में और JSX में क्या कोई फर्क है. ये वेब की बात है वैसे, इस क्लास की बात नहीं है. लेकिन फर्क ये है कि वो JSX जब आप करते हैं ना फाइल, तो रिएक्ट की चीजों की सजेशन देना शुरू कर देते हैं. ठीक है, VS कोड में ऐसा मैंने नोट किया है. हो सकता है दूसरे एडिटर में बगैर उसकी भी करता हूँ, मे बी, नॉट श्योर. इधर इधर अभी तो NFT बनाओगे $1 million में भेज दोगे फिर तो हाथ में ही नहीं आओगे तुम हमारे. कह रहा है NFT कैसे बनाते हैं. अच्छा जितने भी लोग हैं भाई ये देखो कोड कैसे हो रहा है, और कोशिश करो ये खुद से भी करने की, हाथ क्या देख देख के कि ये जैसे हो रहा है. ठीक है, सारे लोग इसको अपने हाथ से इस कोड को लिखें. और अभी ये क्लास खत्म होने तक हम मेक श्योर करेंगे ये इतना कोड जो ये लिख रहे हैं ना हसीब, ये सारे लोग लिख चुके हैं. अलेक्सा पे अब जाके एक स्किल बनाओ, सही है, और स्किल के अंदर एक इंटेंट बनाना है तुमने कि व्हाट इज योर नेम या व्हाट इज माय नेम पूछेगा बंदा एक्चुअली, तो वो सामने से बता दे कि योर नेम इज हसीब और तुम्हारी थोड़ी सी तारीफें कर दे. इंट्रोडक्शन स्किल कर दो इसको भी, इंट्रोडक्शन कर दो इसको भी. यार ये पासवर्ड लगवाने अभी तक आया नहीं ना. Thank you.
सारे लोग अपने अपने पास ना यही काम करें जो ये करके दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, और मेरे मेरी जो रिपोजिटरी है उससे हेल्प लें, उसके अंदर कैसे लिखा हुआ है बॉयलर प्लेट वहां से आप उठा सकते हैं। क्या कह रहे हो? लाउंज में वो बताया कि वेलकम टू इंट्रोडक्शन स्किल, यू कैन आस्क योर नेम, बट यहाँ पे क्यों एडिट कर रहे हो? ये तो तुम्हें लोकल उस पे करना है ना, एक्सप्रेस के सर्वर पे, यहाँ तो नहीं करना। पहले यहाँ पे से इंटरेक्शन मॉडल कंप्लीट करो और उसके बाद फिर चले जाओ तुम डायरेक्ट अपने सर्वर पे। बताओ भाई और क्या होना चाहिए यहाँ पे? डू यू नो मी, हू एम आई, व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज माय नेम, नहीं व्हाट्स अलग है, व्हाट इज अलग है। माय नेम प्लीज, मेरा ख्याल है काफी है। अब सारा कोड आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे लिखना कैसे है? मेरे कोड में से जाके हेल्प लेनी है, क्योंकि बॉयलर प्लेट जो है ना उसका वो नॉर्मल एक्सप्रेस की ऐप से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो जाओ मेरी रिपोजिटरी में, जाओ वहां जाके देखो कैसे लिखा हुआ मैंने कोड ये वाला। हाँ नहीं, वो ब्राउजर का इशू है, ब्राउजर के फेस का। जो कोर्स का जो इशू है ना वो गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है, तो जब गूगल क्रोम से कोई हिट करेगा ना तो उसको सिर्फ आएगा वो वाला इशू, और किसी को भी नहीं आएगा। वो ऐसे ही है, सफारी में भी आएगा, जितने भी मेजर ब्राउजर है सब वो कहते हैं आपको क्या करें, ब्राउजर में आएगा इन शॉर्ट। हाँ ये एलेक्सा एक्सपोर्ट जो है ना, मैंने डाउनलोड किया हुआ है वहां से, जो पूरी स्किल है ना मेरी उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ। एक बटन आता है वहां पे, डाउनलोड का बटन दबाओ डाउनलोड हो जाता है ये वो, और ये जिप में डाउनलोड होता है, मैंने इसको जिप से निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, ये असल में डाउनलोड जिप में होता है। नहीं नहीं इससे कोई फायदा असल में ये है इसका कि जब आप बाद में कभी कोड को खोलेंगे तो आपके पास ये मतलब समझे उसका भी जेसन मौजूद है, तो जेसन एडिटर में जाके आप इसको जब पेस्ट करेंगे ना तो वही स्किल आपके पास भी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। थोड़ा थोड़ा करके करो, जो बॉयलर प्लेट है वो करो ना सिर्फ। नहीं नहीं डॉक्यूमेंट में सही नहीं लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट में सही नहीं लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट में गलत लिखा हुआ। मतलब ये जो कोड इस में मौजूद है ना बॉयलर प्लेट, ये मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट किया हुआ कोड, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, वो अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ। और हमने लास्ट टाइम ये नोट भी किया था
कि डॉक्यूमेंटेशन में जो कोड है उसमें कुछ लाइंस मिसिंग है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था। चलो पूरा कोड कॉपी कर लो आसानी के लिए, ठीक है, बट एक दफा उसको गो थ्रू करेंगे हम कि उसमें हो क्या है। पूरा कोड कॉपी कर लो एज इट इज शुरू से लेके आखिर तक। नहीं नहीं पूरा कोड कॉपी तो करो, हाँ पूरा लाइन वन से लेके आखिर तक। कर दिया पेस्ट। अच्छा अब टॉप पे चलो, सबसे टॉप पे चलो। अच्छा अब इसमें एक एक करके देखते जाओ क्या क्या है। एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन सारी होगी, जो जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये सब नीचे इंस्टॉल भी होगा। मॉर्गन लॉगर हुआ है इसमें, एक्सप्रेस अडाप्टर हुआ है। एक्सप्रेस अडाप्टर जो है वो एक लाइब्रेरी है जिसके जरिए हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट करते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि लैम्डा फंक्शन जो है वो नैनो सर्विस है और एक्सप्रेस जो है माइक्रो सर्विस है, तो ये दोनों जाहिर है थोड़े से इनकॉम्पैटिबल चीज है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाओ, एक्सप्रेस वाली बात समझ आ रही है, लाइन नंबर 16, 17, 18, ये सब लोगों को पता है क्या होता है। अब थोड़ा थोड़ा करके स्क्रॉल करते जाओ नीचे, लाइन नंबर 18 से और नीचे आते जाओ। क्या इंस्टॉल कर रहे हो? अच्छा चलो इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर लो। नौ बज रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं घर में पता नहीं कौन इंतजार कर रहा है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 12 बजे तक भी घर नहीं जाए ना फोन नहीं आएगा घर से। लेकिन कर जा देखो वो लड़कियां वड़कियां होती हैं भाई, कोचिंग या कहीं है देर हो गई फोन आ गया घर से भाई कहाँ, लोगों को फिकर विकर होती है, लड़कों की किसी को फिक्र नहीं होती भाई, ये जहन में डाल लो। हाँ लड़के की सिर्फ फिक्र एक सूरत में होगी, ये लड़का कमाने वाला, ठीक है, फिर उसको मिस घर वाले लूज नहीं कर सकते, फिर वो फोन करेंगे भाई मेरा बच्चा कहाँ रह गया, कमाओ भूत बच्चा मेरा, सही है, तो ये फैक्ट है। अच्छा भाई क्या क्या इंस्टॉल कर लिया तुमने? सही है जी, मॉर्गन भी इंस्टॉल कर लिया, मोंगोस भी कर लिया, एक्सियोस भी कर लिया, सब कुछ इंस्टॉल हो गया, ठीक है जी, परफेक्ट जबरदस्त। अच्छा अब ये कोड जरा गो थ्रू करो ना, इसमें है क्या क्या। नीचे चलते जाओ स्लो स्लो नीचे जाओ। अच्छा एरर हैंडलर को मिनिमाइज करो, कोलैप्स करना आता है ना कोड, हाँ कोलैप्स करो उसको एरर हैंडलर को। ये एरर हैंडलर वो फंक्शन है जो एज इट इज वहां से उठ के आया हुआ है, ठीक है, लैम्डा फंक्शन से एज इट इज उठ के आया हुआ है। नीचे लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर है, इसको भी मिनिमाइज करो, कोलैप्स करो उसको भी, ठीक है, शो मेन्यू हैंडलर को तो रिमूव ही कर दो, ये तो तुम खुद से बनाओगे ना, इसको रिमूव कर दो, ये तुम खुद से बनाओगे, सही है। लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर तक यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद डिवाइस आईडी हैंडलर इसको भी रिमूव करो, ये भी तुम खुद से बनाओगे, है ना, ये भी एक हैंडलर है इसको भी रिमूव कर दो। उसके बाद ईमेल हैंडलर बना हुआ है इसको भी रिमूव करो, ठीक है, प्लेस ऑर्डर को भी रिमूव करो। अच्छा बस अब यहाँ पे रोको, अब ये जो बचा हुआ कोड है ना तुम्हारे पास, ये जो पूरा कोड है इस वक्त लाइन नंबर 1 से लेके आखिरी लाइन तक जो भी कोड इस वक्त लिखा हुआ है ये बॉयलर प्लेट कोड है। ये क्या है? बॉयलर प्लेट कोड है ये, इसको ध्यान में रखो। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना तुम लॉन्च रिक्वेस्ट को, इतना हो गया ना लॉन्च रिक्वेस्ट में चीज को एडिट करो जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स है और इतने को चलाओ। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बिल्कुल बॉयलर प्लेट कोड इस वक्त आपके सामने आ चुका है, ठीक है। और हसीब अपनी रिपोजिटरी में पुश भी करेगा इसको, तो वहां से आप देख भी सकते हैं। मैं बल्कि फोर्क ले लूंगा उसका, अगर किसी को हसीब की रिपोजिटरी ना पता हो तो मैं अपनी प्रोफाइल में एक फोर्क भी ले लूंगा उसका, ठीक है, ताकि वो मेरी प्रोफाइल में भी शो हो। वेलकम टू हसीब इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट, परफेक्ट है जी। असल में इस वाली स्किल में ना लाइव जा नहीं सकते, ये हम पहले कर चुके लाइव। लोग कहेंगे यार ये 2 महीने हो गए इनको, ये अभी तक इसी में अटके हो, ये इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही खेल रहे हैं, ऑब्वियस बात है ना, बेइज्जती होगी यार।
आगे तो बढ़ो, कुछ फूड ऑर्डरिंग कंप्लीट करो, तो मैं डेटाबेस पे डेटा जा रहा हूँ, सामने दिख रहा हूँ, तो लाइव करें, मजा भी आए, 10 लोग बोले कि हाँ यार अच्छा सीख रहे हैं बच्चे, अभी तो बेस्ती हो जाएगी अगर इसमें लाइव कर दिया। हाँ हाँ भाई, क्या रहा है, क्या मैसेज कर रहा है ये डालो, ये यूजर, ये जो है ना MongoDB में जो स्टोर किया हुआ है 41 से लेके 44 तक, इसको रिमूव भी कर दो पहले, इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर रहने दो, चलो मसला नहीं। वैसे MongoDB की हमें जरूरत नहीं है, अगर हटा भी दो MongoDB तो चलेगा, अभी तो सिर्फ तुम्हें एक ऐसी स्किल बनानी है ना जिसको तुम बोलो और वो तुम्हें सामने से रिटर्न करे। अलग से भी किया है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, भूल गया हूँ। अच्छा, अब न्यू इंटेंट तुम्हें चाहिए ना, वो लैम्डा फंक्शन में पहले से बना हुआ है ना इंटेंट का कोड, वहां से कॉपी कर लो, वो सेम कोड अलग नहीं है। अब तुम्हें कौन सा कोड चाहिए, इंटेंट का कोड देखना चाह रहे थे ना तुम, इंट्रो नाम है, चलो सही है, सही, चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, जो जो फंक्शन डिलीट कर चुके हैं उसको हटाना भी है, कौन कौन से फंक्शन है जो हम डिलीट कर चुके हैं, अभी सिर्फ लाउंज है और ये अभी जो तुमने बनाया ये, बाकी तीनों है ही नहीं, चारों नहीं है, लास्ट वाला भी नहीं है। एरर हैंडलर जो है ना, वो पता क्या है, जब कोई इंटेंट हिट नहीं होगा तो एरर हैंडलर चल जाएगा, एरर हैंडलर तो बना हुआ है, वो हमने रिमूव नहीं किया, जरूरी है वहां, तो वो तो अब रेलेवेंट ही नहीं है ना, वो चल ही नहीं रहा, ये चल रहा है, अब जो है ना ये चल रहा है, वहां जो लैम्डा फंक्शन है वो अब डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं नहीं, मैच तो वो यहाँ नहीं, इंटेंट का जो नाम है और यहाँ जो इंटेंट का, वो तो जाहिर है सेम करना पड़ेगा ना, जब ही तो चलेगा। ये इंट्रो हैंडलर में तुम्हारे अभी भी एक प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 55 में ये प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 55 में तुमने उसको लॉन्च रिक्वेस्ट समझा हुआ है, करो कैसे करोगे, नहीं किया ना अभी तक तुमने, लाइन नंबर 55 में देखो ना तुमने क्या लिखा हुआ, इंट्रो हैंडलर नहीं आएगा, जाके तुम जरा लैम्डा फंक्शन में ये पहले से बना हुआ है कोड को जाके कोड वहां देखो क्या है, इंट्रो नहीं होगा, इस तरह थोड़ी होगा, वो रिक्वेस्ट टाइप टाइप इंट्रो थोड़ी होगी, उसमें जाओ कंसोल में जो लैम्डा फंक्शन पहले से बना हुआ है वो जाओ वहां पर देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा फंक्शन पे जाओ ना कंसोल, अच्छा चले गए हो कोड में, जाओ इस पे कोड में जाओ, बावजूद इसके कि वो कोड डिस्कनेक्ट हुआ है, बट जस्ट वहां से हम कोड देखना चाह रहे हैं, उन्होंने लिखा क्या है, ठीक है, इसका कतई मतलब नहीं है कि इस कोड का कोई अमल दखल है, ये जो कोड है ना, जो कंसोल पे जो लैम्डा फंक्शन का कोड लिखा हुआ है, ये मौजूद तो है लेकिन ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, अब हमारा लोकल सर्वर कनेक्टेड है उससे, ठीक है जनाब, चलो भाई ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है, इस तरह से होगा कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या होनी चाहिए, इंटेंट रिक्वेस्ट, और इंटेंट का नाम क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा इंट्रो इंटेंट जो भी तुमने नाम रखा है वो होना चाहिए, ठीक है, अब वही है सही, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अच्छा चलाओ अब एनजी रॉक चलाओ और इसमें हाँ रिस्पॉन्स लगा दो कि माई नेम इज हसीब या योर नेम इज हसीब, और अपने बारे में कोई अच्छे से जुमले लिख दो जो तुम चाहते हो, कोई खूबसूरत सी लड़की आकर तुमसे गए, ठीक है, तो अलेक्सा जो तुम्हें वो जुमले कहेगी जो तुम चाहते हो, भाई एक टाइम ऐसा था अखबारों में इश्तेहार आते थे ना रिश्ते के,
वो कहते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस वाले हजरात राबता ना करें, बीच में हो गया था ऐसा, लेकिन अब जो इश्तेहार आते हैं उसमें क्या कहते हैं, फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं लड़कियों को, ठीक है, उनको पता है फ्रीलांसर्स पैसे बना रहे हैं, तो लड़कियों को क्या चाहिए होता है, फ्रीलांसर होना चाहिए लड़का, नहीं घर पे नहीं चाहिए होगा, घर पे नहीं चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए उसको, सो हैंडसम, यू आर सो हैंडसम, अलेक्सा अपनी खूबसूरत सी आवाज में अलेक्सा आगे गए कि यू आर सो हैंडसम, है भाई असीम, ये होना चाहिए लेवल। वॉइस कंप्यूटिंग में आने का सबसे बड़ा फायदा कि जो आप कहलवाना चाहेंगे वही आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा भाई ये कबाब जी इस तो बैठा, वो कार्ड में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना असीम, कार्ड हटा दो, बल्कि कार्ड की शायद हमें जरूरत नहीं है, कार्ड ही की जरूरत है हमें। अच्छा भाई कंप्लीट हो चुका है हमारा कोड, अब हमें क्या करना है, एनजी रॉक से इस कोड को कनेक्ट करना है उसके जरिए, लेकिन पहले सर्वर को रन तो करो, सर्वर को तो चलाओ पहले, सर्वर तो चल ही नहीं रहा ना अभी, सर्वर चलाओ पहले, npm start या npm run dev जो भी तुम्हें सही लगे, वो तुमने असल में स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट चला दो, छोड़ो nordmon और स्पेस करके जो अपने फाइल का नाम लिखना, वो तुमने स्क्रिप्ट मेंटेन नहीं की थी अंदर, इसलिए npm run dev नहीं चल रहा तुम्हारे पास, nordmon लिखो ना, लिख तो रहे थे सही, nordmon से डायरेक्ट चला दो, अरे पावर शेल को चेंज करो, कमांड पावर शेल पे क्लिक करो, उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाओ, ये पावर शेल ने सारे मसलों की जड़ है, कमांड प्रॉम्प्ट सीएलएस सीएलएस npm i nordmon minus g npm nordmon is pc में इंस्टॉल नहीं है जी भाई। अच्छा अगर कोई जाना चाह रहा है वैसे तो वो जा सकता है, मतलब किसी को अगर जल्दी है, कोई इमरजेंसी है तो वो जाना चाहे तो जा सकता है, आपको अगर जाना है दोस्तों आप जा सकते हैं, क्लास हमारी यहाँ पे कंक्लूड हो गई है, बस ये चला के देखेंगे और सारे छुट्टी कर लेंगे। क्या किस वजह से नहीं इस वजह से नहीं छोड़ो, तुम अभी जो कर रहे थे वो करो ना, nordmon स्पेस फाइल का नाम .mjs डायरेक्ट चले, वो होने दो, इंस्टॉल होने दो स्क्रीन क्यों रुक गई तुम्हारी, स्क्रीन चली गई तुम्हारी, अच्छा सारे दोस्तों बहुत गौर से ये बात सुन लें, ये फूड ऑर्डरिंग ऐप मैं जितनी बनवा चुका हूँ ना, अगली क्लास में सब लोगों के पास उतना बना हुआ होना चाहिए, वरना मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बता रहा हूँ अगली क्लास में मैं आपको टास्क दे दूंगा कि ये बनाओ बैठ, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, फिर
आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, असूलन होना तो ये सही है, मुझे कोई डिफरेंट टास्क देना चाहिए आपको, जो मैं करवा चुका हूँ वो नहीं देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये तो बनाओ, ठीक है ना भाई, हो नहीं रहा ये, क्या कह क्या रहे हैं, स्क्रीन स्टक हो गई है मेरे पास फ्रेंड, हाँ नहीं नहीं वो एक ही है डॉक्टर, एक ही है, नॉट स्पेस करके डायरेक्ट चला लो, चलो कोई बात नहीं, नॉट स्पेस फाइल का नाम, नॉट स्पेस फाइल का नाम, नॉट स्पेस चल जाएगा, चलो करो ऐसे कर लो, एक्सेस अलाउ एक्सेस, अबे कैंसिल कर दो, छोड़ो कैंसिल कर दो, कैंसिल करो, चल गया, अच्छा अब चलाओ एनजी रॉक साथ में इसके, एनजी रॉक भी तो चलाओ, वरना ये कनेक्ट कैसे होगा उससे, एनजी रॉक इंस्टॉल नहीं किया, स्प्लिट करो ना, स्प्लिट का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे पास, देखो ना स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, npm install ngrok -g, ठीक है जी, ये बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच हुआ है सारा कुछ, और ये सब आप लोगों ने देखा है किस तरह से हो रहा है, तो कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा आपके, सर हम पिछली क्लास में नहीं थे, हमसे ये स्किल नहीं हो रही, हमसे वो नहीं हो रहा, ये बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच सारा कुछ हुआ है आज हमारी क्लास में, अच्छा हो रहा है इंस्टॉलेशन हो रही है, चलो चलाओ इसको, आर ओके एचटीटीपी है, क्या हुआ इसको, एनजी रॉक मिल नहीं रहा, ऐसे अलग से टर्मिनल, अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो अपने पीसी में, अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोल के उस पे चला लो, क्योंकि वो मे बी अभी अभी इंस्टॉल हुआ है तो रीस्टार्ट चाहिए उसको, यहाँ पे चला लो, कहीं भी चल रहा हो एक ही बात है, पूरे पीसी में किसी भी जगह चल सकता है, आर ओके HTTP 3000, अरे यार ये इंस्टॉल सही तरह से नहीं हुआ, माइनस जी लगाया था तुमने इंस्टॉल करते हुए, दोबारा दिखाओ वापस जाओ, स्क्रॉल अप करो जरा, देखो माइनस जी लगाया था इंस्टॉल करते हुए, यार बिल्कुल सही तो है, एक ही बात है पहले आए या बाद में आए, एक दफा और चला लो यही कमांड, यार यार जरा एक मिनट नॉट का वर्जन चेक करना, क्या इसमें नॉट स्पेस माइनस भी करना, सही है 16 है, करो दोबारा इंस्टॉल करो एनजी रॉक, यस जब माइनस जी चलो पहले लगा के देख लो जस्ट इन केस,
अब करो एनजी लॉग इसी जगह पे दोबारा चला कर देखो, इसी जगह पे ये क्या बकवास है यार। यार बिल्कुल सही लिखा हुआ है तुमने कमांड। यार रजा वो तुम्हारे पास नॉट जीएस में पासवर्ड पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था? हाँ अच्छा, अब इसका क्या करें यार, ये क्यों हो रहा है? पीसी रीस्टार्ट कर लो, पीसी रीस्टार्ट कर लो। अच्छा जी, हमारे दोस्त पीसी रीस्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने क्योंकि नॉट जेएस वगैरह काफी चीजें इंस्टॉल की थी अभी बैक टू बैक, तो मे बी रीस्टार्ट वाला इशू आ गया। नॉट सपोर्टेड, ये पावर शेल है ना तुम्हारा? पहली बात तो पावर शेल पे नहीं चलाओ, किसी और पे चलाओ। मैं पता नहीं चलता ना पावर शेल का इशू है या किसी और का। पावर शेल का इशू है या किसी और का ये पता नहीं चलता। सीएमडी पे चलाओ इसको, उसी तरह से चलाओ, सेम तरीके से। अगर सीएमडी पे कोई एरर दे रहा है तो फिर मुझे दिखाओ। दिखाओ मुझे। तुम्हारे डायरेक्टरी के नाम में ना स्पेस है, उससे शायद उसको मसला हो रहा है। जो यहाँ परसेंटेज का वो आ रहा है, साइन आ रहा है डायरेक्टरी के साथ। ये डेटाबेस जो है ना, इसको मिल नहीं रहा database.js। config.env index.js डेटाबेस में इसको मिल नहीं रहा। डेटाबेस से एक्सपोर्ट किया है इसमें डिफॉल्ट नहीं लगाया ना, सही है? जब डिफॉल्ट नहीं लगेगा ना तो फिर पता है क्या करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे चलो डिफॉल्ट हटा देते हैं ना, डिफॉल्ट जब नहीं होगा ना तो ये कनेक्ट डीबी तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं होगा। अच्छा कनेक्ट डीबी भी लिखा हुआ तुमने यार, सही है, कनेक्ट डीबी भी लिखा हुआ। अब क्या है? Cannot find module, क्या नहीं हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा। टर्मिनल को ना एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो। रजा है या चला गया? रजा है यहाँ पे यार। एक बंदा ना पीछे से उठ के रजा को बुला के लाओ और टर्मिनल को ना एज एडमिनिस्ट्रेटर खोल के उस पर चलाओ। हाँ वो बुला रहा हूँ ना अभी उसको। रजा को टर्मिनल को ना एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करो, मान लिया पासवर्ड, उससे पासवर्ड लगवाओ यार। अच्छा ये इसी इंपोर्ट में ना जो चीज मंगवा रहे हो ना इसको मिल नहीं रही है।
सेम लेवल पे है डेटाबेस। ये जो server.mjs है वो ये है ना, सेम लेवल पे है डेटाबेस, वहां पे index.js। ये मुझे लग रहा है ये ना MJS जब करेंगे ना तो दोनों को MJS करना होगा, सारे MJS। या मे बी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये यार उसके तरह पासवर्ड लगवा दो, इसको हमें मे बी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये MJS नहीं है। मे बी वो MJS को सोच रहा होगा भाई सभी MJS मिलेंगे, असल में तुम्हारी मेन फाइल JS की है, मेन फाइल MJS और वो JS। अच्छा ये JS की फाइल है ना, इसमें इंपोर्ट थोड़ी चलेगा, इसलिए एरर आ रहा। ये JS की फाइल है और इंपोर्ट है इसलिए एरर आ रहा। तो यहाँ पे भी MJS करो, तो यहाँ पे भी MJS कर दो, इसको सेट हो जाएगा। ये MJS हो गया, सेट हो जाना चाहिए अब इसको। अच्छा बट वहाँ पे मैंने अब JS मेंशन कर दिया ना, अच्छा ऑटोमेटिक MJS हो गया। बट यहाँ पे ये लगता नहीं है, एक्सटेंशन यहाँ पे जरूरत नहीं होती, सिर्फ इंडेक्स भी कर दो तो चलना चाहिए। अभी शायद मॉडल के अंदर जो मैंने जीएस बनाया भी ना शायद इसके यार ये नाम क्या है, अभी भी इंडेक्स वाले पे ही दे रहा है बाय द वे एरर ही एरर। मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाउंड मॉड्यूल, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, फूड ऑर्डरिंग डेटाबेस इंडेक्स इंपोर्टेड फ्रॉम सर्वर। यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट हुआ है क्या? इसको भी जो है ना फिलहाल रोक देते हैं। इसको हम फिर इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट अभी भी नहीं हो रहा। जरा अभी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर वाले इससे इसको इंस्टॉल करो दोबारा से, npm i minus g ng rot। इसमें क्या मसला हो सकता है? इंपोर्ट कनेक्ट डीबी बिल्कुल सही है ये बोल। डेटाबेस डेटाबेस की स्पेलिंग सही है, इंडेक्स की स्पेलिंग भी सही है। इंडेक्स जब नाम होता है ना तो इंडेक्स भी लगाने की जरूरत नहीं होती ना, सिर्फ डेटाबेस तक भी लगाया तो चलना चाहिए। अनसपोर्टेड डीआईआर इंपोर्ट, इसको अलग से गूगल करते हैं इसका मतलब क्या है। हाँ भाई क्या रिपोर्ट है, हुआ इंस्टॉल? चलाओ किसी जगह पे चला कर देखो उसको। डायरेक्टरी इंपोर्ट बन अटेम्प्टिंग टू इंस्टॉल मॉड्यूल्स। ये अंदर क्यों नहीं जा रहा इसका? इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा? इंटरनेट चला गया क्या? अच्छा अब ये HTTPS वाला जो लिंक दे रहा है ना, बस ये लिंक आ गया हमारे पास। अच्छा लास्ट टाइम भी बाय द वे यही हुआ था, बीच में बहुत सारा इस तरह का डिस्टॉर्शन आ गई थी ना तो चीजें डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, पॉइंट में मौजूद हो ना। पहले क्या किया हमने, रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले हमने एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई,
एक बॉयलर प्लेट उस पर सर्वर बना लिया एक्सप्रेस का, जो बॉयलर प्लेट मेरे कोड में से देखकर, फिर हमने एक अलेक्सा की स्किल बनाई है, ठीक है। ये दोनों अभी अलग अलग है, अभी ये दोनों जुड़े नहीं है, ये दोनों अभी अलग अलग है, जोड़ने का प्रोसेस अब हो रहा है। इनको तो भाई इसके अंदर ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो चलो एक बंदा कह रहा है कि भाई पूरा नाम लिखोगे तो पूरा नाम लिख के देख लेते हैं /index.mjs ऐसे करके देख लेते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। परफेक्ट तरीका ना, वो पता है इसको खाली किया से database/index.mjs ये आ गया, यहाँ पे आके वैसे स्लैश कर ले, हम एक काम करते हैं बाकियों को भी ना .mjs कर देते हैं, बाकियों को भी .mjs कर देते हैं, मे बी वो एरर आ कुछ और रहा हो और उसको समझ में ना आ रहा हो, कभी कभी कंपाइलर ना गलत एरर भी देता है, तो जो नोन एरर्स हैं वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं खुद से। वो खत्म हो गया एरर, वो एरर कुछ और था, वो बता नहीं पा रहा, एरर है भी लेकिन कुछ और आया, वो नहीं आया, वो 3000 ऑलरेडी इन यूज वाला एरर है। सही है, वो MJS का इशू था, बाकियों को भी MJS किया सही हो गया, वो 3000 ऑलरेडी इन यूज का एरर आ रहा है दूसरा। हाँ भाई किधर चले सारे, मैंने बोला तो नहीं है जाने अभी तक, खैर जो जाना चाहता है वो जा सकता है। सही, एरर आ रहा है, दिखाओ नीचे क्या लिखा है तुमने भाई, HTTPS वाला लिखना है पहली बात तो, ठीक है HTTPS वाला लिंक लिखना है। स्पेस नहीं, हाँ स्पेस पड़ा, सेव का बटन दबाओ, टॉप पे सेव है। अच्छा सेकंड वाला जो ड्रॉप डाउन है उसमें क्या सेलेक्ट करना है, सेकंड वाला ऑप्शन, जॉब जो ड्रॉप डाउन है इसमें से सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा, पहला जो ड्रॉप डाउन है, पहला ड्रॉप डाउन कि आई एम अ सब डोमेन ऑफ किसी और डोमेन का, मैं सब डोमेन हूं, ठीक है सेव करो, दोबारा से सेव करो। अच्छा ये काम करने के बाद बिल्ड चलाए बगैर ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा, सही है, बिल्ड आपको एक दफा चलाना पड़ेगा, इंटेंट पे जाओ बिल्ड एक दफा चलाओ, सही है। चलो एक नए टैब में आप टेस्टिंग खोलो, जल्दी से उसको टेस्ट करके दिखाओ, Thank you.
चल गया, हैंडसम लिखा आ गया। अब यहां तक हमारा काम जो करना था वो हो गया, लेकिन एक स्टेप हम और करेंगे जो बैठे हुए लोग हैं, जाहिर है इनके लिए एडिशनल स्टेप होना चाहिए। इसको जल्दी से हरिको पे एक नया अकाउंट बनाओ और हरिको पे नया अकाउंट बना के ना ये रिपोजिटरी उससे कनेक्ट कर दो, ठीक है। हरिको के करने के लिए मुझे कोड में क्या चेंजेस करने होते हैं, एक प्रॉक फाइल बनानी होती है, तो प्रॉक फाइल बनाओ यहाँ पे से और हरिको से इसको कनेक्ट कर दो ताकि ये होस्ट हो जाए तुम्हारी, और हरिको का लिंक फिर लगा देना उसकी जगह पे, और फिर हरिको पे सही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हरिको से भी हम कनेक्ट करके इसको देख लेते हैं, जो मैंने अभी तक क्लास में नहीं करवाया, एडिशनल स्टेप हो रहा है। हाँ HTTP पे डालोगे डिफॉल्ट वाले पे, पढ़ के बताओ। अरे लो नहीं नहीं, ये थोड़ी डलेगा HTTPS, ये नहीं डलेगा, NG Rock वाला लिंक डलेगा इसमें, ऐसा ये वाला लिंक नहीं, NG Rock में देखो HTTPS वाला जो लिंक है ना ये डलेगा पूरा नीचे वाला, हाँ ये डलेगा नीचे वाला पे, io.io तक डलेगा, डॉट आयो के बाद फिर जाहिर है तुम्हारा जो खुद का एंड पॉइंट है वो लगेगा उसमें। एनजी रॉक तो फिर खत्म हो जाएगा, एनजी रॉक से तो हमने टेम्पोरीली एनजी रॉक से होगा, लेकिन परमानेंट क्या है वो हरिको से, ठीक है। सारे लोग इसको गौर से देखें कैसे हो रहा है, और जब आप बनाकर लाएंगे तो आप हरिको पे होस्ट करके लाइए, ठीक है, ताकि वो पब्लिश मतलब चल रहा हो आपके पास। हाँ CLI अलग है, CI अलग है, दोनों दोनों एक चीज है, अच्छा क्या मतलब समझा नहीं मुझे अभी, सही है हाँ, ऑटोमेटेड जो इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहते हैं, तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट से जब तुमने किया तो वो नहीं हो रहा, कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है ना, उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा, जाके देख लो वहां से, ठीक है बात हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मिल रहा ना हो। देखो डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और उसमें जाके लिखो Netlify है ना तुम्हारा, या गूगल कर लो वैसे ही है, Netlify GitHub Action, तो वो पूरी एक फाइल बना के दे देगा GitHub Action, तुम जब भी गिट में पुश करोगे वो पूरा उठा के, उसमें एक टोकन देता है, वो टोकन बीच में पेस्ट करना होता है एक्शन की फाइल में, ये चीजें होती हैं। खैर अब जो भी उसका प्रोसेस है वो देखोगे तुम तो पता चल जाएगा उस एक्शन की फाइल में क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, क्योंकि जाहिर है कोई भी तो ऐसे नहीं कर सकता ना, टोकन होगा कोई ना कोई। ये कौन सी जगह पे पहुंच गए तुम, अकाउंट बना रहे हो हरिको का, हरिको का अकाउंट क्यों बना रहे हो, बना हुआ नहीं है तुम्हारे पास, ये टेम्प्रोरी ईमेल से बना रहे हो, अच्छा अच्छा बढ़िया, ये इसने एक सर्विस ढूंढी भी है टेम्प्रोरी ईमेल, उससे बिल्कुल ही टेम्प्रोरी ईमेल बन जाता है, और ये कितनी देर तक रहता है, अच्छा बढ़िया, लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट किया तुमने,
पता नहीं कोई सीन है इसको कंप्लीट रखा हूँ रखे हैं बहुत सारे जाते हुए ले जाना दो चार एक्स्ट्रा ले जाना बांट देना यार मुझे अभी करंटली क्या चल रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है तो वो इनको कॉल कर लीजिएगा नंबर है हमें हाँ भाई कहाँ तक पहुंची तुम्हारी रिपोर्ट यार बहुत टाइम लगा रहे हो मैं समझा हरी को तो बना हुआ होगा तुम वो भी नया बना रहे हो लेटर करो इसको कंटिन्यू को कर दिया तो भाई ये तो तुम्हें कहीं और ही ले जाएगा दुनिया में कैंसिल वो भाई कार्ड मांगता है 500 भाई सब लोग पिक कर रहे हैं ना क्या हो रहा है हाँ यहाँ पे से मैंने यार स्टॉप कर दिया जो ज़ूम पे कनेक्ट नहीं होगा ज़ूम पे देखो ना ज़ूम पे क्यों नहीं कनेक्ट होगा ज़ूम मैंने $14 का ज़ूम खरीदा हुआ है तुम लोगों के लिए तुम लोग यार कनेक्ट ही नहीं हो रहे उससे मुझे कुछ चेंजेस करनी थी इसलिए मैंने फोर्क किया था बट उसके बगैर ही काम हो गया था वो तो पुरानी लाइब्रेरी है उनकी ऑफिशियल है वो डायलॉग फ्लो की ऑफिशियल फुलफिलमेंट है वो 8 प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है भाई देखो बेवकूफी की बात है अच्छा। वो दो पे ही हो जाए बड़ी मुश्किल से तो काफी है उसकी फुलफिलमेंट में भाई असल बात ये है जो उनको शुरू में समझ में नहीं आई थी ये बात असल बात ये है कि जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप डिप्लॉय करेंगे ना फुलफिलमेंट आपको एंटायरली अलग अलग लिखना पड़ेगा शुरू में उनको बात दिमाग में घुसी नहीं है
असल में पहले जो ये करता था ना आपका डायलॉग फ्लो जो पहले था API.ai, उन्होंने काम सही किया हुआ था। उन्होंने कहा था टेक्स्ट बेस बनेगा बस, कोई बेवकूफी की है, दूसरे रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, जो भी होगा कस्टम पेलोड होगा। इन्होंने जो है वो कहा कि नहीं यार हम यूनिवर्सल करेंगे सबको, तो वो असल में फेसबुक अब आपकी थोड़ी मानेगा। फेसबुक अब रोज रोज नई नई चीजें ऐड कर रहा है, आप कितनी चीजों को ऐड कर रहे हैं। नहीं, वो रिच रिस्पॉन्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, रिच रिस्पॉन्सेज जो फेसबुक के अलग अलग ऐड करता जा रहा है वो, फिर टेलीग्राम है, फिर इतनी चीजों का तो इन्होंने वही खत्म कर दिया ना। जैसे टेलीग्राम ने जब चेंजेस की ना, ब्रेकिंग चेंजेस, और इनको साथ में नहीं मिलाया, इन्होंने उसको हटा दिया वहां से। टेलीग्राम अभी शायद नहीं है वहां पर, है ऑफिशियली कुछ, और ट्विटर भी था वहां पे, वहां पे वो एक कहां है सारे है सर, नहीं है सारे, ट्विटर भी है और वो, अबे भाई इन्होंने बहुत सारे रिमूव कर दिए। ये मैं अभी एक मिनट इंटीग्रेशन में देखता हूं ना जाके, सर वो सीएक्स में होगा, ईएक्स में तो है। इसमें से भी इन्होंने कुछ एक दो रिमूव किया, मुझे अच्छी तरह याद है, इसमें कुछ और भी हुआ करते थे। फेसबुक मैसेंजर आ रहा है, स्लैक आ रहा है, टेलीग्राम आ रहा है, यार ये तो सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, ट्विटर भी आ रहा है। खैर, तो पॉइंट मेरा ये कहने का कि वो टेक्स्ट पे ही चलता है सबके साथ, जो टेक्स्ट वाला रिस्पॉन्स है ना वो तो सब में चल जाता है, लेकिन रिच रिस्पॉन्सेज में, अब कार्ड जो है ना, कार्ड के अंदर गूगल असिस्टेंट में 5 एट्रीब्यूट्स हैं जो एक सिंपल कार्ड के लिए, अब वो 5 एट्रीब्यूट्स है, फेसबुक के अंदर अलग है वो, ठीक है ना। जो इसमें एक बटन अलाउ करता है वो कह रहा है उसमें मल्टीपल बटन हो सकते हैं कार्ड में। तो अब एज अ डेवलपर मैं ऐसा कार्ड कैसे बनाऊं यूनिवर्सल जो सब में चले, चलो लाइब्रेरी तो आपने लिख दी, तो इस वजह से फिर आखिर में होता यही है कि अलग अलग मैंने किया, अलग अलग बना हुआ एफ एल्स लगा के ना पूरा। बल्कि मैंने तो एक दूसरी अप्रोच की थी, वो जब हम शुरू करेंगे तो वो बताऊंगा मैं कि वो क्या अप्रोच है। मैं उनका वाला जो एजेंट डॉट ऐड है ना, उसको मैंने एक हेल्पर फंक्शन में लिखा था, सेंड रिस्पॉन्स के नाम से एक हेल्पर फंक्शन बनाया था, उस हेल्पर फंक्शन में 10-12 इफ एल्स। अब जब मैं रिस्पॉन्स यहाँ से भेजता हूँ ना, तो वो पूरे में चेक करता है, एरर आ गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये क्या कह रहा है, एरर में कुछ कह रहा होगा ना, कैन नॉट फाइंड एएसके, ये एएसके SDK मॉडल ये तुमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ये कह रहा है। देखो अपनी package.json में है, ये package.json में जाके देखो, ये है ऐड हुआ हुआ, package.json में जाओ अपने VS Code में, हाँ तो ये इसको इंस्टॉल कर लो और दोबारा से फिर डिप्लॉय कर लो। अच्छा भाई दबे इसको देखो, ये इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडल को, इस्तेमाल हो भी रहा है नहीं हो रहा है, server.js में जाओ, देखो जरा टॉप पे जाओ, ये मॉडल किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, टॉप पे जाओ, टॉप पे जाओ, ये तो बॉयलर प्लेट का वैसे पार्ट होगा, इसमें जो कुछ भी होगा। खैर चलो इसको दोबारा से डिप्लॉय करो, छोड़ो दोबारा से इसको डिप्लॉय करो, और ये तुमने नॉट मॉड्यूल के साथ पुश कर दिया ना, ये भी एरर देगा, इसमें गिट इग्नोर नहीं डाला तुमने, गिट इग्नोर डालो वरना इसका भी एरर दे देगा ये। डॉट गिट इग्नोर करके नॉट मॉड्यूल लगाओ, और ये नॉट मॉड्यूल में इसका फोल्डर डिलीट करो, ऐसे नहीं होगा ये, हाँ प्रॉप फाइल भी नहीं बनाएगी, बल्कि तुमने सही कह रहे हो, प्रॉप फाइल भी बनाएगी इसमें। ये नॉट मॉड्यूल को ना डिलीट करो, उसके बगैर ये करोगे ना तो एरर फिर भी रहेगा, नॉट मॉड्यूल को पूरा यहाँ से रिमूव करो, नहीं गेट से नहीं, यहाँ से डिलीट करो उसको, हाँ वीएस कोड में से डिलीट करो, वीएस कोड में से डिलीट करो बाबू, ये नॉट मॉड्यूल का जो फोल्डर है ना इसको डिलीट कर दो।
हो गया, हो रहा है, हो रहा है। ये कुछ पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है तुमसे, ओके करो उसको। एडमिन पासवर्ड अब डिलीट परमानेंटली करो, करो करो डिलीट परमानेंटली। ये देखो ना 1.5 लाख वाले पीसी यार इतना रुलाएंगे तो क्या होगा, फोल्डर डिलीट होने में उसको इतनी प्रॉब्लम होगी। यार इसको इस एक्सप्लोरर में से जाके डिलीट करो, यहां से अगर नहीं हो रहा है एक्सप्लोरर में जाओ, जो इसका फोल्डर है फोल्डर में से जाके डिलीट करो। रिवील एंड एक्सप्लोरर वन स्टेप अप करो इससे, गुड डिलीट हो चुका है यहाँ से। चलो अब कमिट कर दो सारी चेंजेस को, सेलेक्ट ऑल। स्क्रॉल करो उसको, स्क्रॉल डाउन यहाँ पे वो आ जाना चाहिए। बिल्ड स्टार्ट हो गया ना, देखो टाइमिंग तो मेरी भी 7 से 9 ही है, मेरी भी 7 से 9 है। मैं जब बैठा हुआ तो पता चल जाता है कि कौन क्या करने आया क्लास में, मेरा पता चल जाता है कि मैं पढ़ाने आया हूँ क्योंकि जब भी तो मैं बैठा हुआ, और आपका पता चल गया कि आप पढ़ने आए हो, बाकी ऐसे ही है, बाकी कुछ और करने आए। अब ये लिंक लगा दो वहां पे, हाँ ये हरिको का लिंक ना, जहाँ पे एनजी रॉक वाला लिंक है उसकी जगह हरिको का लिंक लगा दो, और चलाओगे तो ये हरिको पे फिर इसके रिक्वेस्ट जाना चाहिए। और बिल्ड भी एक दफा चलानी पड़ेगी। जाओ टेस्टिंग वाले टैब में जाओ, उसको रिफ्रेश करो टेस्टिंग वाले पेज को और टेस्ट करके देखो। परफेक्ट यार, अपने लिए क्लैपिंग कर दो। आइए अब ये जो स्किल चली है कहाँ से चली है, ये हरिको से चली है। अब जितनी भी ऑनवर्ड्स हम स्किल बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे,
टेस्टिंग करते हुए सर्वर एक्सप्रेस का लोकल चल रहा होगा, एनजी रॉक से कनेक्टेड होगा। जब हम कंप्लीट कर लिया काम जो भी करना था, उसको हरिको पे पुश किया, वहां का लिंक लगा दिया, ये आपका प्रोडक्शन में आ गया। हम कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट आप जो है वो क्लास के टॉप स्टूडेंट बन गए बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब जिसको भी प्रॉब्लम आएगी वो हसीब से पूछेगा, या बाकी जो भी लोग इस क्लास में अभी मौजूद हैं, टोटल 5 लोग मौजूद हैं, तो ये 5 लोग क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में से आ गए। अच्छा, अब आप लोगों को जाते ही फौरन क्या करना है, घर जाते ही फूड ऑर्डरिंग वाली जो ऐप है ना, उसको पूरा अपने हाथ से फ्रॉम स्क्रैच बनाना है। होटल बुकिंग की भी कन्वर्ट करो, वो भी बनाओ। पोर्टफोलियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, पोर्टफोलियो आपके पास जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो होटल बुकिंग जो पहले से बनाई थी उसको भी इसमें कन्वर्ट करो, डेटाबेस में डेटा जा रहा हो, डेटाबेस में बल्कि आपके पास रूम्स बने हुए हो पहले कि भाई ये 4 रूम्स हैं और कुछ में पहले से लिखा हुआ रहा हो कि भाई ये खाली है या इसमें कोई रह रहा है, अगर कर सको तो। वैसे तो जितना तुमने किया उतना भी अगर कर लो तो काफी रहेगा। तो जो भी पहले से बनाया हुआ ना उसको कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में लाओ उसको और हरिको पे उसको डिप्लॉय मार दो। और साथ में क्या करो, जो फूड ऑर्डरिंग वाली ऐप है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, वो भी अपने हाथ से एक दफा पूरा बनाओ, और उसमें ऑर्डर MongoDB पे जाके ऑर्डर प्लेस हो रहा हो, सारा डेटा आ रहा हो जा रहा हो, बंदा पूछे हाँ भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है अभी, तो उसको आप MongoDB से ईमेल, तो पता है उसकी ईमेल वाला काम भी हमने कर लिया। हाँ, लोकेशन की बात नहीं है ना, ईमेल दे रहा है ना वो। लोकेशन भी चलो ले लेना, एक ही बात है, लोकेशन भी आप ले लेना, एक ही बात है, ठीक है। हम बस ये चाह रहे हैं कि एक ईमेल पे से बंदे ने कुछ बोला है ऑर्डर और उसका ऑर्डर तैयार हो रहा है, ठीक है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम उसी ईमेल पे ही उसको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, उसी ईमेल पे हम उसको वीडियो कॉल कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास किसी की ईमेल मौजूद हो तो आप उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं। गूगल मीट पे अगर करेंगे आप, उसके पास एंड्रॉइड फोन है तो डायरेक्ट कॉल जाती है उसके पास, ठीक है, आपके ईमेल के जरिए डायरेक्ट। डुओ अभी आ चुका है, गूगल असिस्टेंट के साथ जो चलता है ना मिक्स होकर, वो डुओ है। डुओ पे जब आप कॉल करते हैं ना तो आपके गूगल असिस्टेंट पे भी रिंग होता है और आपके फोन पे भी रिंग होता है, ठीक है। अभी मैं अगर अपने घर पे फोन करूंगा ना, मैं गूगल असिस्टेंट से कहूँ कि कॉल होम स्पीकर, तो मेरे घर पे जो गूगल असिस्टेंट पड़ा हुआ उसमें वो बजना शुरू हो जाएगा, और उसमें कोई भी अगर सामने उसके खड़ा हुआ है तो वो कहेगा उसको ओके गूगल रिसीव द कॉल, तो वो रिसीव भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी, ठीक है। तो वो डुओ इसके साथ मिलके चल रहा है। इसी तरह अलेक्सा पे भी ना, आपके पास अगर बंदे की ईमेल आ गई है तो उससे आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, बट वो अभी पब्लिक नहीं की उन्होंने API, अभी अलेक्सा टू अलेक्सा कॉल चल रही है। तो उसमें जो फोन नंबर का भी ऑप्शन है ना अंदर, वो फोन नंबर जो है असल में वो अलेक्सा, उस फोन नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो अलेक्सा पे रिंग होगा, अलेक्सा से अलेक्सा आप कॉल कर सकते हैं अभी राइट नाउ। उसमें एक छोटा सा ऑथेंटिकेशन और जैसे व्हाट्सएप होता है ना कोड आता है, इस तरह कोड उसमें रिसीव होता है, उसके बाद आप कॉल, पूरी कॉलिंग हो सकती है, USA टू USA फ्री है, बाकी जगहों पे करेंगे तो बिल बनेगा जो आप। यूजर ने जो भी सेट किया हुआ वो होगा, हाँ वो नंबर ले लेना, साथ में वो नंबर भी सेव करवा देना, ठीक है। तो कोई एक हमारे पास डेटा पॉइंट आ गया ना यूजर से कॉन्टेक्ट का, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं उसी पे फोन करके सब पता कर लेंगे उससे। चलो, हम आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में।